नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। समदर्शी संस्था द्वारा राहगीरों को वितरित किया गया मीठा पानी। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां भीषण गर्मी एवं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप से परेशान एवं गर्मी से व्याकुल चलते राहगीरों को सुभाष चौक झंडा चौक पर लंबे समय से समाज हित में कार्यरत समदर्शी संस्था के पदाधिकारियों ने छिविल लगाकर मीठा पानी वितरित किया, जिसको राहगीरों ने पीकर गर्मी से व्याकुल अपनी प्यास बुझाई और राहत का एहसास किया, तथा इसी दौरान स्कूटी सवार के रोड पार करते वक्त सरकारी बस रोडवेज बस में लगी स्कूटी हादसा होने से बच गया, नहीं तो कोई भी जान जा सकती थी। गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। इसी दौरान संस्था के अध्यक्ष आरपी सिंह, डॉक्टर सुदेश चौहान, सुरेंद्र सिंह, प्रेम सिंह सहोता, बिरमल सिंह, हरकेश सिंह, अधिवक्ता कमल कश्यप सहित समस्त पदाधिकारीगण मौजूद रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि कई दिनों से बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो इसीलिए समदर्शी संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने पूरे अपने जितने भी समाज सेवी हैं उनका सहयोग लेते हुए यहाँ शबद वितरण का कार्यक्रम सुभाष चौक मिलन वेंकट हॉल के सामने किया है। और इस समय लगभग मेरे ख्याल से 5,000 से ज़्यादा लोग जो इस शरबत का सेवन कर चुके हैं, और अभी समय भी बहुत कम हुआ है, और मैं समझता हूँ अभी 3-4 बजे तक ये जितने भी हमारे समाज सेवी हैं और समदर्शी संस्था के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कम लगभग 4 बजे तक सर्वर वितरण का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। संस्था द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा जो है आज मिलजुल कर ये सर्वर वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। बेहद अब जो गर्मी पड़ रही है उसमें जो है उसी को लेकर के जो है सुभाष चौक पर आज ये जो है आयोजन किया गया है। इसमें संख्या का कोई लेना देना नहीं है, तो लगभग जितने भी लोग आते रहेंगे सभी को जो है वितरित किया जाएगा।